हे दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर कुमार मनीष बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुका हूं। जी हां दोस्तों, NRHM की तरफ से भर्ती आ रही है। 71,000 प्लस पदों पर जो है यहां पे राजस्थान की तरफ से भर्ती आ रही है। पूरी जानकारी जो है हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, जिसमें देख सकते हो NM GNM फार्मासिस्ट नर्स CHO आयुर्वेद चिकित्सक ग्रुप डी की पदों पर जो है यहाँ पे भर्ती आ रही है। पूरी जानकारी जो है हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही ये भर्ती जो है सभी राज्यों के लिए रखी गई है। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं न्यूज पर। तो दोस्तों अगर आप लोग नर्सिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह ई बुक ले सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, मात्र 45 रुपीज़ की ई बुक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और अगर आप लोग जो है NORSET की तैयारी कर रहे हो, एम्स नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो, तो सॉल्वर पेपर जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। 25 सॉल्वर पेपर जो है इस ई बुक में रखे गए हैं, 149 रुपये की मिलने वाली है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पे देख सकते हो। हम पहले बात करते हैं फार्मासिस्ट के लिए। तो 2,369 पदों पर जो है राजस्थान सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसका जो है नोटिफिकेशन सितंबर में आने वाला है। 5 सितंबर तक जो है इसका नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो जयपुर। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, इसके लिए जो है सभी राज्यों के लिए फॉर्म रखी गई है। सभी लोग जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। प्रदेश में फार्मासिस्ट के लिए 633 पद बढ़े, अब 2,369 भर्तियाँ। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इसके साथ दोस्तों 7,000 पदों पर जो है स्टाफ नर्स ग्रेड ए की वैकेंसी आ रही है, जिसमें एनएम की वैकेंसी होगी 7,000 वैकेंसी आ रही है, जिसमें एनएम की वैकेंसी होगी और स्टाफ नर्स ग्रेड ए की वैकेंसी होगी। इसके साथ दोस्तों हम चलते हैं आपको यहाँ पे दोस्तों 71,000 प्लस भर्तियाँ जो है आ रही हैं, मंजूरी मिल चुकी है सरकार की तरफ से। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, मैं आपसे विनती करता हूँ, जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। जिसमें देख सकते हो यहाँ पे पद एवं विभाग का नाम, कुल पदों की संख्या। तो रीट के जो पद है 31,000 पदों पर भर्ती आ रही है सितम्बर में। जी हाँ दोस्तों, सितंबर में आ रही है। अगस्त में जो है यहाँ पे मंजूरी मिल चुकी है सरकार की तरफ से, इसका जो है नोटिफिकेशन सितंबर में देखने को मिलेगी। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी अपडेट है और बिल्कुल रियल न्यूज़ है। राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक के लिए 14,601 पद रखी गई है। कम्युनिटी हेल्थ अधिकारी CHO के लिए जो है यहाँ पे 6,310 वैकेंसी स्वीकृत किए गए हैं, सितंबर में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। और ग्रुप डी के लिए यहाँ पे 326 वैकेंसी है। पशुधन सहायक वे में जलधारियों के पद 400 है। और यहाँ पे उपखंड कार्यालयों में जो है 588 वैकेंसी रखी गई है। आयुर्वेद चिकित्सक के लिए 450 वैकेंसी रखी गई है। NM और GNM स्टाफ नर्स ग्रेड ए के लिए जो है यहाँ पे 7,000 वैकेंसी जो है रखी गई है, ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन करिए। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं राजस्थान रिको के लिए 238 वैकेंसी है। राजस्थान रोडवेज के लिए 6,432 पदों पर भर्ती आ रही है। राजस्थान ग्राम सेवक के लिए 2,261 पद है। और राजस्थान विद्युत विभाग से जो है 9,000 पद आ रही है। यह आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। लगभग 15 सितंबर तक बिल्कुल ऑफिशियली गारंटी हमारी है, नोटिफिकेशन जो है आपको देखने को मिल जाएगी। यह बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। और अगर आप लोगों ने अभी तक ये बुक नहीं परचेज किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, काफ़ी सस्ती है और फुल सिलेबस कंप्लीट किया गया है। एम्स नर्सिंग ऑफिसर के लिए तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आप जाके ये बुक परचेज कर सकते हो। सॉल्वर पेपर और पूरा ये बुक बिल्कुल सिलेबस तहत जो है कंप्लीट की गई है। और भी कोई जानकारी चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।